नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीज़ा से रिलेटेड, कुवैत का वीज़ा। जी हाँ भाई, ऑफर लेटर भी आ चुका, वीज़ा भी आ चुका, बस बंदे को फ्लाइट करने की है, कब तक कर ले पता नहीं। खर्चे की बात करें तो बहुत कम पैसा है, मात्र 75,000। लेकिन ये वीज़ा कौन सा है बता दूं, शॉर्ट वीज़ा है भाई, 11 मंथ का, यानी 11 महीने का आपको काम करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का जॉब है, 185 KD सैलरी बताई गई है, बाकी 185 KD सैलरी मिलती नहीं है, लेकिन ऑफर लेटर में लिखने से किया जाता है भाई। तो कुवैत जाने वाले खास तौर से वीडियो देखें, पूरा देखिए, हम आपको ऑफर लेटर भी दिखाएंगे, वीज़ा भी दिखाएंगे, आगे और भी बातें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई देखिए, शॉर्ट तरीके से हम बात करेंगे, पहले आपको ऑफर लेटर दिखा देता हूँ, उसके बाद में वीज़ा। तो खैर आपको पता ही होता है कैसे वीज़ा है, ये ऑफर लेटर है भाई, देख सकते हैं, इंटीग्रल सर्विस कंपनी LLC, इसमें ऐसा कुछ दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर है भैया, कम अग्रीमेंट लेटर है, बंदे का नाम दे दिया, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन है। एम्प्लॉयमेंट में देखो भाई आपको क्या क्या है, पूरा सिस्टम, कंपनी पॉलिसी, वर्क टाइमिंग एंड कंडीशन, बहुत उर्दू में भी दे रखा है। हालांकि ऐसे ऑफर लेटर मैंने पहली बार देखा है कि भाई हिंदी और उर्दू दोनों, इंग्लिश और उर्दू दोनों ऑफर लेटर में नाम लिखे हैं, बाकी ऐसा ऑफर लेटर होता नहीं है। चलो मान लेते हैं, हम रिकमेंडेशन ऑफ पैकेज देख लेते हैं। बेसिक सैलरी है भैया इसकी 120 KD, वर्क नेचुरल अलाउंस है इसमें 20 KD, फूड का है 25 KD। जी हाँ, टोटल सैलरी 185 KD इसमें दिया गया है। कंपनी पैकेज आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है, इनको छोड़ दो, वर्क टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 11 मंथ का रहेगा, 2 साल तक ये वीज़ा एक्सटेंड कर सकती है, ऐसा इसमें लिखा गया है भाई। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इसमें दिया गया है, लीव भी इसमें दे रखी है। अब 11 महीने की छुट्टी में यार कौन सा तो लीव मिल बनता है इसमें, छुट्टी बनता है क्या लीव, आप बताना मुझे। 11 महीने का शॉर्ट वीज़ा, उसमें कौन सी कंपनी छुट्टी दे के आपको इंडिया भेज देगी वापस, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एडिट किया हुआ है। तो ये वर्क परमिट वीज़ा होता है, उसका ये ऑफर लेटर है, इसको एडिट करके शॉर्ट वाले वीज़ा में डाल दिया, तो ये बातें तो उसमें नीचे आएंगी ना। लेकिन लोगों को पता ही है यार, इतनी गहराई में कौन जाता है, कोई नहीं जाता भाई। नीचे पूरा दिया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस, विड्रॉल फॉर्म, अग्रीमेंट, एक्सेप्टेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ दिया गया, अग्रीमेंट लेटर वगैरह, टोटल बातें नीचे देखो, ईमेल आईडी कंपनी की वगैरह सब कुछ दिया गया। तो इतना होता है तो बंदा तो ये मानेगा भाई सही है, आप भी यही मानोगे कि सही है। अब आपको ऑफर लेटर इसका दिखा दिया, अब आपको ये वीज़ा देख ले भाई, ये वीज़ा है बंदे का, ये बंदे का वीज़ा आ गया, मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, ऑफर लेटर और वीज़ा आ गया, तुरंत इसको फ्लाइट करनी है। अब ये बंदा अभी तक तो इंडिया में ही है, गया नहीं है, बाकी देखते हैं चला जाता है कि नहीं। जाने का तो क्या मतलब होता है, आप सबको पता ही है भाई, कुवैत की स्थिति क्या है, जो लोग इंडिया में बैठे हैं वही बेचारे यहीं धक्के खा रहे हैं। पिछली बार जब फ्लाइट चालू थी, दुबई से होके लोग जा रहे थे, नए लोग क्या है, लेकिन चलो उम्मीद करूंगा कि बंदे के पैसे ख़राब नहीं। वीज़ा पे 20,000 रुपये मांगे थे, टिकट पे 15,000 रुपये मांगे थे, बस 35,000 का खर्चा, 11 महीने का वीज़ा बताया गया था। कुवैत जाने वाले भैया सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह के वीज़ा दे के लोगों से पैसे ले लेते हैं आराम से, क्योंकि ये वीज़ा निकलना बहुत आसान है, ये वीज़ा नंबर होता है आप सबको पता ही है, तो इस वजह से लोग ठगने का काम करते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।